हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना संजय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक 8 महीने के बच्चे का सही वजन और हाइट क्या होनी चाहिए, 8 महीने के बच्चे की फीडिंग एंड स्लीपिंग रूटीन क्या होती है और 8 महीने के बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यानी कि आज हम 8 मंथ ओल्ड बेबी के डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक 8 महीने के बच्चे के सही वजन और लंबाई के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक हेल्दी 8 महीने के बेबी गर्ल का वेट 13 पाउंड से लेकर 23 पाउंड यानी कि अराउंड 5 किलोग्राम से लेकर 11 किलोग्राम के बीच होना चाहिए और उनकी हाइट 25 इंच से लेकर 30 इंच के बीच होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वस्थ 8 महीने के बेबी बॉय का वेट 14 पाउंड से लेकर 25 पाउंड यानी कि 6 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम के बीच होना चाहिए और उनकी हाइट 25 इंच से लेकर 30 इंच तक होनी चाहिए। 8 महीने के दौरान स्मैन का वेट 20 पाउंड्स यानी कि अराउंड 9 किलोग्राम और हाइट 29.5 इंच है। आपके बच्चे के बर्थ वेट और बर्थ हाइट के आधार पर इस वीडियो में बताए गए वेट और हाइट से आपके बच्चे की वेट और हाइट कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हम 8 महीने के बच्चे के फीडिंग के बारे में जानेंगे। जन्म से 6 महीने तक एक बच्चे का मुख्य आहार ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क होता है। 6 महीने के बाद एक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के साथ साथ सॉलिड फूड यानी कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्यूरी खिलाना जरूरी होता है। 8 महीने से 12 महीने में बच्चे को पूरे दिन 750 कैलोरी से लेकर 900 कैलोरी की ज़रूरत होती है। आधे से ज़्यादा यानी कि अराउंड 400 से 500 कैलोरी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है और बाकी के 400 से 500 कैलोरी बच्चे को सॉलिड फूड खाने से मिलता है। जन्म से 1 साल तक बच्चे के फिजिकल एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चे को 24 आउंस से लेकर 32 आउंस तक यानी कि 700 मिलीलीटर से लेकर 900 मिलीलीटर तक ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पूरे दिन में पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को आयरन रिच फूड, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ विटामिन सी युक्त फूड की बहुत ज़रूरत होती है। 6 से 11 महीने के बच्चे को पूरे दिन में 260 mg कैल्शियम की ज़रूरत होती है जो कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि 6 से 12 महीने के बच्चे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, बच्चे के सही ग्रोथ के लिए एक बच्चे को आयरन रिच फूड खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। 6 से 12 महीने के बच्चे को पूरे दिन में 11 mg आयरन की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीडिंग करता है तो बच्चे के लिए ज़रूरी आयरन बच्चे को फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है, पर ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे को अक्सर आयरन की कमी हो जाती है। इसके लिए 6 महीने से 12 महीने तक बच्चे को आयरन रिच राइस सीरियल या ओट मिल्क सीरियल ब्रेस्ट मिल्क में मिलाकर पूरे दिन में 1 या 2 बार ज़रूर खिलाना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने 8 से 12 महीने के बच्चे के आहार में आयरन रिच फूड जैसे कि लेंटिल, दालें, बीन्स, वेजिटेबल्स, पालक, हरे मटर, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो जैसे फूड भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो दूध पिलाने के साथ आप अपने बच्चे को पूरे दिन में 3 बार सॉलिड फूड या प्यूरी फूड जरूर खिलाएं। साथ ही साथ बच्चे को पूरे दिन में 2 से 3 बार स्नैक्स भी ऑफर करते रहें। इस एज में बच्चे को आप प्यूरी फूड की जगह मैश की हुई सेमी प्यूरी फूड खिलाना शुरू कर सकते हो, जैसे कि आप बच्चे को अच्छी तरह मैश की हुई बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, योगर्ट या क्रीम चीज़ ऑफर कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे को मूंग दाल और चावल से बनी पतली खिचड़ी में जल्दी गलने वाली सब्जियां जैसे कि गाजर, आलू, बीट रूट, लौकी, कद्दू, तुरई जैसी सब्जियां और फ्रूट डालकर अच्छी तरह कुक कर और उन्हें मैश कर घी डालकर खिला सकते हो, जिससे बच्चे को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे को पूरे दिन में 2 आउंस से लेकर 8 आउंस यानी कि अराउंड 50 मिलीलीटर से लेकर 250 मिलीलीटर तक पानी पिला सकते हैं। साथ में बच्चे के लिए ज़रूरी पानी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है। नेक्स्ट हम 8 महीने के बच्चे के स्लीपिंग रूटीन के बारे में जानेंगे। 8 महीने के बच्चे के बॉडी और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चे को पूरे दिन 14 से 15 घंटे तक सोना चाहिए। 8 महीने का बच्चा दिन में 2 से 3 बार 1 या 2 घंटे की नैप जरूर लेता है, यानी पूरे दिन में 2 से 3 घंटे तक बच्चों को सोना चाहिए और रात में बच्चा 2 या 3 बार डायपर चेंज करने या फीडिंग के लिए उठकर कम से कम 11 से 12 घंटे तक सो जाता है। नेक्स्ट हम 8 महीने के बच्चे के माइलस्टोन्स के बारे में जानेंगे। अब आपका 8 महीने का बच्चा बिना किसी सपोर्ट या फिर किसी सपोर्ट के बैठ पाने में कैपेबल हो जाता है। स्वयं ने बिना किसी सपोर्ट के 7 महीने से बैठना शुरू किया है। मोस्टली बच्चे 6 महीने से लेकर 9 महीने तक बिना किसी सपोर्ट के बैठने में कैपेबल हो जाते हैं। 7 से 8 महीने तक मोस्टली बच्चे अपने पेट के बल आगे सरकना सीख जाते हैं, जिसे हम टमी, बैली या कमेंडो क्रॉलिंग भी कहते हैं। ये एक्टिविटी मोस्टली बच्चे 7 से लेकर 9 महीने तक करना शुरू करते हैं।
कुछ बच्चे 8 से 9 महीनों में अपने आप को किसी सहारे के साथ ऊपर की ओर खींचने या पुल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी सहारे से खड़े होने की कोशिश करते हैं और कुछ देर तक किसी सहारे के खड़े हो पाने में भी कैपेबल हो जाते हैं। मोस्टली खड़े होने की ये एक्टिविटी बच्चे 8 से 10 महीने के बीच करते हैं। इस एज में यानी कि 8 से 10 महीने के बच्चों को वर्ड्स या साउंड के साथ में खेलना यानी कि बैबलिंग करना अच्छा लगता है। इस एज में बहुत से बच्चे सिंपल वर्ड्स लाइक मा मा मा, बा 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 और डा 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 जैसे वर्ड्स कंटिन्यू बोलना पसंद करते हैं। तो इस एज में अगर आपके बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप बातें करेंगे या उनके साथ कोई सॉन्ग या राइम बोलेंगे या उनके लिए बुक्स रीड करेंगे तो उनके कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आपका 8 महीने का बच्चा आपको अच्छी तरह जानने पहचानने और समझने लगा है। यहाँ तक अपने नाम पुकारे जाने पर अब वो रिस्पॉन्ड भी करता है और इस एज में बच्चे नो या नहीं ये वर्ड अच्छी तरह समझने लग जाते हैं। 8 से 9 महीनों में बच्चे अपने हाथ से चीज़ें उठाकर मुंह में डालने में कैपेबल हो जाते हैं। यहाँ तक क्रॉलिंग करते समय जो भी ऑब्जेक्ट उनके आसपास हो उसे उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। ये एज बच्चों को फिंगर फूड और टेबल फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए सही एज होती है। 8 से 9 महीनों में आप अपने बच्चों को सॉफ्ट फूड यानी कि मैश्ड बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सॉफ्ट राइस, योगर्ट जैसे फूड अपने हाथों से खाने के लिए दे सकते हो। इस पर्टिकुलर मोमेंट में स्मेन टीथिंग क्रैकर्स खा रहे हैं जो कि टीथिंग में बच्चों को उनके मसूड़ों में होने वाले इरिटेशन में रिलीफ देती है और ये क्रैकर्स मुँह में डालने पर घुल जाती है। तो इस एज में ये क्रैकर बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आपका 8 से 9 महीने का बच्चा बताए गए माइलस्टोन्स नहीं कर पा रहा है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये सारी एक्टिविटी 7 से लेकर 10 महीने तक करना शुरू करते हैं। बट आप अपनी तरफ से बच्चों के बॉडी में ये सारे माइलस्टोन्स पूरे करने के लिए स्ट्रेंथ आए उसके लिए आप अपने बच्चे के साथ कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि पीठ के बल से पेट के बल पलटने, बैठने और पेट के बल आगे सरकने, घुटने के बल क्रॉलिंग करने के लिए बच्चे के मसल्स और बोन्स में इनफ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। शरीर में ये स्ट्रेंथ ना होने की वजह से बच्चे ये माइलस्टोन्स जल्दी नहीं कम्प्लीट कर पाते हैं। तो बच्चे के शरीर में स्ट्रेंथ आए इसके लिए आप अपने बच्चे को भरपूर टमी टाइम दें, उनके पीठ से लेकर पैरों तक उन्हें रोज़ाना मसाज करें, बच्चे को किसी सपोर्ट से कुछ समय के लिए बैठाना शुरू करें और टमी टाइम देते वक्त या जब आपने बच्चे को बिठाया है उस वक्त उसके सामने कोई खिलौना रखे ताकि उसे पकड़ने के लिए बच्चा अपने आप को आगे की ओर बढ़ाना शुरू करे। तो ये एक्सरसाइज बच्चों को उनके माइलस्टोन्स कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बच्चों के दाँत निकलना शुरू होते हैं। अगर आपका बच्चा पहले से ज़्यादा ड्रूल कर रहा है यानी कि मुँह से लार गिरा रहा है जिसके वजह से बच्चे के मुँह के आसपास स्पेशली चिन एरिया में रैश हो गए हैं, बच्चे के मसूड़े फूलने लगे हैं या उनमें सूजन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को टीथिंग हो रही है। टीथिंग के दौरान कई बच्चों को मसूड़ों में काफ़ी पेन और इरिटेशन फील होती है जिससे बच्चों को हार्ड और रबर जैसी चीज़ों को बाइट करना अच्छा लगता है। ऐसे में टीथिंग टॉयज और क्रैकर्स बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। अगर आपका बच्चा टीथिंग के दौरान काफ़ी रो रहा है या बच्चे को फीवर या डायरिया हो रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलकर उनकी सलाह लें। ऐसे में टीथिंग टैबलेट या टीथिंग जेल बच्चों को पेन में रिलीफ देने में काफ़ी हेल्प करती है और टीथिंग के दौरान बच्चों का कम दूध पीना या खाना अच्छी तरह ना खाना या कम सोना बहुत ही कॉमन है। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या कंसर्न हो तो कॉमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।